नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय माता दी। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 3। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए माँ दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 3 सुनते हैं। महर्षि मेधा बोले, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेनापति चिक्षुर को क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगी मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी माँ ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह राक्षस असुर ढाल और तलवार लेकर माँ देवी की ओर भागा। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से माँ पर वाहन सिंह के माँ के वाहन सिंह पर मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया। किंतु देवी माँ की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इसे दैत्य में उस असुर में क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। माँ देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी माँ ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर महादैत्य के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर माँ देवी से लड़ने के लिए फिर से आ गया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया किंतु देवी माँ ने भी अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया किंतु देवी माँ ने उसको भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और उस असुर के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी माँ ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुए देवी ने गदा के प्रहार से उस राक्षस को मार डाला। भिंद्रीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्रांधक को मौत के घाट उतार दी। इन नेत्रों वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्र वीर्य और महाहनु नामक असुरों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक राक्षस का भी सिर काट डाला तथा अपने बाणों से धुर्दुर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया गया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी माँ ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धार कर देवी के गणों को दुख देने के लिए आ पहुँचा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से और कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंह नाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया गया।
वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर देवी माँ के सिंह को मारने के लिए भागा। इस पर देवी माँ को बहुत क्रोध आ गया। उधर दैत्य भी गुस्से में भर कर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से जोर जोर से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फट गई। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रवाह से मेघ खंड खंड हो गया और स्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे राक्षस को देखकर मां चंडिका को भी बहुत क्रोध आ गया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी मां ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसके बंद जाने पर राक्षस का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही माँ देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी माँ ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को अपनी तलवार की ढाल से बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी माँ के वाहन सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवोस्थित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा, परेशान करने लगा। इसके बाद क्रोध में भरी हुई देवी माँ बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल वीर्य तथा मद से क्रोध हुआ असुर भी गरजने लगा, अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके बाद मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने वाली है और देवता फिर गरजेंगे। यूं कहकर देवी माँ उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी माँ ने तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके बाद सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा ऋषि और महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हरि प्रेमियों, यह तीसरे अध्याय का दुर्गा सप्तशती के समापन हुआ। हरि प्रेमियों, दुर्गा सप्तशती माँ का ये पाठ का वीडियो आपको कैसा लगा?